कनाडा के पीएम की एक गलती के बाद भारत ने एक के बाद एक बड़ा और कड़ा कदम उठाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भारत ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया और कह दिया कि भारत में कनाडा के नागरिकों की नो एंट्री, यानी अब कनाडा के नागरिकों के लिए भारत ने वीजा सेवाओं को अनिश्चित काल तक बंद कर दिया गया है। वैसे तो अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कनाडा में वीजा केंद्रों को संचालन करने वाले BLS इंटरनेशनल ने अपनी वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी देकर पूरे खालिस्तानी और कनाडा में खलबली मचा दी। चलिए अब जरा ध्यान से देखें इस नोटिस में लिखा क्या है। दरअसल इसमें लिखा गया है कि भारतीय मिशन की तरफ से महत्वपूर्ण सूचना, ऑपरेशनल कारणों से भारत की वीजा सेवाएं 21 सितंबर से अगली सूचना तक रहेगी। और इसमें आगे लिखा है कि ये जानकारी भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक ने दी है और बकायदा इसकी पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई अधिक जानकारी नहीं दी, बस कहा कि नोटिस में सारी बात साफ तौर पर कही गई है। कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब भारत ने किसी भी देश के नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को बंद कर दिया है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की थी। मोदी सरकार ने कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिकों, खासकर छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। इसमें कहा गया था कि कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और राजनीतिक रूप से समर्थित घृणित अपराधों और हिंसा को देखते हुए वहां मौजूद या जाने का विचार कर रहे भारतीय नागरिकों के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया जाता है। कनाडा के उन क्षेत्रों और संभावित स्थानों की यात्रा करने से बचे जहां ऐसी घटनाएं हुई। भारत का उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए कनाडाई अधिकारियों के साथ संपर्क में रहेगा। बता दें, भारत की इस एडवाइजरी के कुछ घंटे बाद ही कनाडा की तरफ से बयान आया। इससे पहले कनाडाई सरकार ने अपने नागरिकों से उच्च स्तर की सावधानी बरतने को कहा था। नागरिकों से कहा गया था कि कुछ सुरक्षा और संरक्षा संबंधी चिंताएं हैं या स्थिति तेजी से बदल सकती है, हर समय बेहद सतर्क रहें, स्थानीय मीडिया पर नजर रखें, स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। सलाह में भारत में रहने वाले नागरिकों को सुझाव दिया गया है कि अगर ऐसा कुछ करना सुरक्षित है तो देश छोड़ने के बारे में सोचे। खैर, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक टकराव तब शुरू हुआ जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों के पास विश्वसनीय सबूत है कि जून में सरे में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों की संभावित संलिप्तता है। हालांकि भारत ने इन आरोपों का खंडन किया और उन्हें बेतुका और प्रेरित बताया। लेकिन अब भारत ने जो ऐलान किया है उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।